प्रस्तुतकर्ता धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल काशीपुर उत्तराखंड। योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर लगी मुहर। एनसीआर टैक्सी चालकों को दी बड़ी राहत। रोड टैक्स छूट के लिए 4 राज्यों से करार। ललितपुर में नई जेल बनाने का भी प्रस्ताव हुआ पास। बिजनौर में मजारों की तोड़फोड़ मामले में एनआईए करेगी जांच। आज दोनों आरोपियों से हो सकती है पूछताछ। अरब देशों से फंडिंग के तार भी खंगालेगी जांच एजेंसी। स्वामी प्रसाद मौर्य से एसटीएफ ने की पूछताछ। स्वामी प्रसाद के निजी सचिव अरमान खान की हुई थी गिरफ्तारी। अरमान खान के 4 साथियों की भी हुई थी गिरफ्तारी। नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी का थाल। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की करोड़ों की करीब 10 करोड़ की जमीन हुई जब्त। ईडी ने मोहनलालगंज में की कार्रवाई। नौकर के नाम पर ली गई करोड़ों की जमीन जब्त। स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों में गड़बड़ी। परीक्षण छोटे अफसरों पर शुरू हुई कार्रवाई। अपर निदेशक पैरामेडिकल, अपर निदेशक स्वास्थ्य प्रशासन किए गए सस्पेंड। मंकी पॉक्स को लेकर यूपी में भी अलर्ट। सीएम योगी के निर्देश के बाद राज्य और जिला स्तर पर तैयारी। प्रदेश के कोविड अस्पतालों में 10 बेड किए गए आरक्षित। कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने शहादत को किया नमन। वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। द्रास में एयरफोर्स ने पाकिस्तान को ताकत दिखाकर हद में रहने का दिया संदेश। राहुल गांधी को पुलिस से हिरासत में लिया। राजपथ पर धरने पर बैठे थे राहुल गांधी। कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध प्रदर्शन। ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी से दूसरे राउंड की पूछताछ जारी। देशभर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। राहुल की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों का राष्ट्रपति भवन तक मार्च। बीजेपी का वार सत्याग्रह का ड्रामा कर रही कांग्रेस। पश्चिम बंगाल शिक्षा मंत्री घोटाले मामले में 5 चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को कोर्ट ने ईडी रिमांड पर भेजा। दोनों को 3 अगस्त तक ईडी रिमांड पर भेजा गया। बलरामपुर में पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अवैध असले समेत उपकरण बरामद किए। संचालित करने वाली 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। झांसी पुलिस ने 4 बदमाशों को अरेस्ट कर 27,19,000 रुपए बरामद किए। चोरी की घटना का किया खुलासा। हरदोई में किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात। खेत में ले जाकर किया दुष्कर्म। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। गाजीपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 मासूम की हुई मौत। एक झुलसा। भुड़कुंडा थाना इलाके के मस्तीपुर गांव में हुआ हादसा। शामली में तेंदुआ को देख ग्रामीण में दहशत का माहौल। कांधला थाना क्षेत्र के गांव कन्यान और भनेडा के पास जंगलों में दिखा तेंदुआ। कई जानवरों को घायल किया। मुरादाबाद में कांवड़ियों के लिए सपा विधायक फहीम ने लगाया कैंप। अपने हाथों से कांवड़ियों को फल खिलाते दिखे विधायक। नोएडा की हाई राइज सोसाइटी पारस सियारा में कुत्तों का आतंक। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में ओएसडी गुंजा सिंह बनी शिकार। सोसाइटी में पहले भी एक महिला को कुत्ते ने काटा था। पीलीभीत में छेड़खानी से तंग आकर 11वीं की छात्रा ने की खुदकुशी। गांव के ही संजय नाम के लड़के पर आरोप। 2 सहेलियां भी लड़के की करती थी मदद। प्रयागराज में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। बिजली के टावर पर चढ़ा युवक। किसी तरह से मना कर लोगों ने तारा नीचे। नैनी थाना क्षेत्र की मवैया टीएसएल के पास का मामला।